अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? उम्मीद करते हैं सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज इन सबको मैंने नहला दिया था सुबह, लेकिन यार ये अभी भी ना ख़ारिश में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये सारे इस तरह लगे रहते हैं। ख़ास तौर पे जो ये है ना, ये चार, ये तो खाने पीने में मसरूफ़ हैं और अंडों पे बैठ जाते हैं। और ये देखें माशाल्लाह, इन सबको मैंने नहलाया है और ये कितने पास फोकस नहीं हो रहा। मैं आपको खोल के दिखाता हूँ, इनकी आज बास्केट वगैरह और कुलची जो है वो भी लगाएंगे। फ़िलहाल तो इनकी खुराक जो है वो ख़त्म हो गई है, खुराक भी लेने चलते हैं। पर एक और प्लान है, वो भी आपको बताते हैं। ये पहले ब्राउन ब्राउन सी लग रही थी, लेकिन अब मैं इसे डस्ट वगैरह पड़ी थी ना, अब मैं इसे नहलाया है तो अब देखें माशाल्लाह फुल वाइट निकला। ये यार मुझे तो बहुत प्यारे लग रहे हैं, छोटे छोटे से राजू बोलते बहुत प्यारा है ये। कल ये तो सुस्त से थे, लेकिन अब ये भी एक्टिव है। अब हम चलते हैं। अच्छा जी, बाकी का जो प्लान है आपको आके बताते हैं, उससे पहले हम चलते हैं उनकी खुराक खत्म हुई है, खुराक ले लें तो बिना देरी करके चलते हैं। जो है वो ले लिए और अब हम जा रहे हैं घर। घर जाके आगे का प्लान जो है वो आपको बताते हैं। अच्छा जी, अब हम आए हैं छत पे। हमने ना कबूतरों का सेटअप ऊपर किया हुआ है, क्योंकि ये हवा में रहने वाले परिंदे हैं। तो ये कबूतरी रह गई है एक, कितने हो गए थे भाई? 13-14 हो गए थे। तो वो किधर गए? कुछ मर गए, कुछ बिल्ली खा गए। तो ये अब एक रह गई है। हाँ जी। इसका पेड़ लेने चलें? चलते हैं भाई। अब लेके आते हैं एक पेड़ भी, ले आते हैं कबूतरों का। चलें फिर, देरी नहीं करते, जिसे छोड़ दो हम चलते हैं। ये हमने सेटअप बनाया हुआ है, इसके अंदर वो रहेंगे, तो अब हम लेने चलते हैं बिना देरी किए। जी ये पेयर हमें एक पसंद आया है, फीमेल इसकी लकी है। ये भी लक्के में मेरे ख्याल से कुछ है इसका। ये देखिए माशाल्लाह बहुत प्यारे है। चलो ये लेते हैं और घर जाके ना इन्हें ऊपर छोड़ते हैं। केज भी हम साथ ही ले आए हैं और ये भी ले आए हैं, तो अभी नहीं इधर खोलते हैं। खोलो भाई सुल्तान। Thank you.
ये निकलेंगे ना तो इधर ही रहेंगे, इधर के जब आदि हो जाएंगे, वो वाइट वाली तो इधर की आदि हो गई हुई है और बाकी जो है वो भी आदि हो गए हुए थे, लेकिन उनको अब बिल्ली वगैरह ने मार मोड़ दिया और ख़ुद भी मर गए। तो अब हम चलते हैं नीचे। अच्छा जी, जो कुजी है ना वो इधर पड़ी है, वो निकालनी पड़नी है और क्योंकि वो फिंचिस के लिए चाहिए, तो पहले निकालते हैं जी। ये निकाल ली है, गंदी हुई हुई है, इसे पहले ना धो लेते हैं और फिर इसे सेट करती हूँ। इतनी धुल सकती थी, मैंने धो ली, अब बाकी पक्के निशान है। अब ये इधर लगाते हैं इसको, हम इधर देखते हैं, अगर इधर आ जाती है तो इधर ठीक है, नहीं इधर तो नहीं आएगी, इसे लटकाना पड़ेगा। तो इसको लटकाते हैं फिर आपको दिखाते हैं। अच्छा जी, ये देखें, ये इधर लगा दी है, इसके सामने ना बेक स्टिक कर देते हैं, ये वाली ना निकाल के इस तरह कर देते हैं ताकि जो फिंच वगैरह ना वो अंदर जाती रहे। इधर देंगे फिंच अंडे। और ये बास्केट में लेके आया हूँ, मुझे बड़ी प्यारी लगी है, तो इसको हम लगाते हैं। अब जो है ना माशाल्लाह ये भी बोलने लग गए, कबूतरों की तरह बोलते हैं ये। एक मिनट भाई, हमें ये लगा लें तो पहले। ये देखें, ये इधर सही लग भी गया, फुल फिट हो गया। तो मेल अब पता नहीं कौन सा है, ये देखा फिर बोला है। माशाल्लाह मेरी तो बड़ी खुशी हो रही है, ये मेरे ख्याल से ना ये मेल है, नहीं मेल ये है क्योंकि ये बोल रहा है। तो ये अब अपनी जगह पसंद करेंगे अंडों के लिए। अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग जो है वो देखा होगा तो उसमें हम नेस्टिंग मटेरियल भी लेके आए थे जब हम बॉक्स लेने गए थे ना। ये देखें, तो ये निकालते हैं, इतना ज़्यादा तो नहीं रखेंगे, थोड़ा सा ही रखेंगे अभी। पर मुझे ये नहीं समझ आ रही है इतना बड़ा बड़ा उठा लेंगे। ये देखें ना, हम थोड़ा सा काट कूट के ना छोटा करके फिर रखते हैं। मैंने इतना सा कोई काटा कूटा, ये इधर नीचे रख देते हैं। तो ये अब देखते हैं लेके भी जाते हैं कि नहीं। इधर मैंने रख दिया, मुझे तो अभी भी ये बड़े ही लग रहा क्योंकि वो इतनी इतनी सी तो हैं। ये पड़ा है, लेके चलो। ये मैंने इसके अंदर दोबारा रख दिया, वो जो उधर रखा है वो देखेंगे कल सुबह, अगर उन वो लेके गए हुए तो हम वो रख देंगे ताकि ये अपना नेस्ट बना ले। दूसरा इनके अंडे हैं, इनमें माशाल्लाह बच्चे बांध रहे हैं, इनमें माशाल्लाह बच्चे बांध रहे हैं, तो इन्हें हम किसी को अब तंग नहीं करते और हम भी अब चलते हैं। ये उठा लेते हैं। ये जो है ना, ये तो कुजी के ऊपर जाके बैठने भी लग गई है, इसे पता चल गया ये अब हमारा घर है। अच्छा जी, आज गर्मी बहुत ज़्यादा थी, अब काम वगैरह हमारा सारा हो गया और अब मैं इस व्लॉग को करने लगा हूँ एंड। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करना। मिलते हैं हम अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।